हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान फॉर यू। दोस्तों, इस चैनल पर आप देखेंगे आध्यात्मिक देश और दुनिया, वास्तुशास्त्र और घरेलू चिकित्सा के कुछ गुणकारी उपाय। इसी तरह आज की वीडियो का विषय है रामायण अयोध्या कांड में कैकेयी का कोप भवन में जाना। तो चलिए जानते हैं। राम के राजतिलक का शुभ समाचार अयोध्या के घर घर में पहुँच गया। पूरी नगरी में प्रसन्नता की लहर फैल गयी। घर घर में मंगल मनाया जाने लगा। स्त्रियां मधुर स्वर में रात भर मंगल गान करती रहीं। सूर्योदय होने पर नगरवासी अपने अपने घरों को द्वाजा पताका वृंदनवार आदि से सजाने लगे। हाट बाजारों को भांति भांति के सुगंधित एवं रंग बिरंगे पुष्पों से सजाया गया। गवाये, नट, नर्तक आदि अपने आश्चर्यजनक कर्तव्य दिखाकर नगरवासियों का मनोरंजन करने लगे। स्थान स्थान में कदली स्तंभों के द्वार बनाए गए। ऐसा प्रतीत होने लगा कि अयोध्या नगरी नववधू के समान रिंगार कर राम के रूप में वर के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। किंतु राम के राजतिलक का समाचार सुनकर एवं नगर की इस अद्भुत श्रृंगार को देखकर रानी कैकेयी की प्रियदासी मंथरा के हृदय को असहनीय आघात लगा। वह सोचने लगी कि यदि कौशल्या का पुत्र राजा बन जाएगा तो कौशल्या को राजमाता का पद प्राप्त हो जाएगा और कौशल्या की स्थिति अन्य रानियों की स्थिति से श्रेष्ठ हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उसकी दासियां भी स्वयं को मुझसे श्रेष्ठ समझने लगेंगी। वर्तमान में कैकेयी राजा की सर्वाधिक प्रिय रानी है और इसी कारण से महारानी कैकेयी का ही राजमहल पर शासन चलता है। कैकेयी की दासी होने का श्रेय प्राप्त होने के कारण राजप्रासाद की अन्य दासियां मेरा सम्मान करती हैं। यदि कौशल्या राजमाता बन जाएगी तो मेरा यह स्थान मुझसे छिन जाएगा। मैं यह सब कुछ सहन नहीं कर सकती, अतः इस विषय में अवश्य ही मुझे कुछ करना चाहिए। ऐसा विचार करके मंथरा ने अपने प्रासाद में लेटी हुई कैकेयी के पास जाकर कहा, महारानी, आप सो रही हैं। यह समय क्या सोने का है? क्या आपको पता है कि कल राम का युवराज के रूप में अभिषेक होने वाला है? मंथरा के मुख से राम के राजतिलक का समाचार सुनकर कैकेयी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। समाचार सुनाने की खुशी में कैकेयी ने मंथरा को पुरस्कार स्वरूप एक बहुमूल्य आभूषण दिया और कहा, मंथरे, तू अत्यंत प्रिय समाचार लेकर आई है। तू तो जानती ही है कि राम मुझे बहुत प्रिय है। इस समाचार को सुनाने के लिए तू यदि और भी जो कुछ मांगेगी तो मैं वह भी तुझे दूंगी। कैकेयी के वचनों को सुनकर मंथरा अत्यंत क्रोधित हो गई। उसका कातन बदन जल भुन गया। पुरस्कार में दिए गए आभूषण को फेंकते हुए वो बोली, महारानी, आप बहुत नासमझ हैं। स्मरण रखिए कि सौत का बेटा शत्रु के जैसा होता है। राम का अभिषेक होने पर कौशल्या को राजमाता का पद मिल जाएगा और आपकी पदवी उसकी दासी के जैसी हो जाएगी। आपका पुत्र भरत भी राम का दास हो जाएगा। भरत के दास हो जाने पर आपकी बहू को भी एक दासी की ही पदवी मिलेगी। यह सुनकर कैकेयी ने कहा, मंथरा, राम महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं और प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय हैं। अपने सद्गुणों के कारण वे सभी भाइयों से श्रेष्ठ भी हैं। राम और भरत भी एक दूसरे को भिन्न नहीं मानते क्योंकि उनके बीच अत्यधिक प्रेम है। राम अपने सभी भाइयों को अपने ही समान समझते हैं, इसलिए राम को राज्य मिलना भरत को राजा मिलने के जैसा ही है। यह सब सुनकर मंथरा और भी दुखी हो गई। वह बोली, किंतु महारानी, आप यह नहीं समझ रही हैं कि राम के बाद राम के पुत्र को ही अयोध्या का राज सिंहासन प्राप्त होगा तथा भरत को राज परंपरा से अलग होना पड़ जाएगा। यह भी हो सकता है कि राज्य मिल जाने पर राम भरत को राज्य से निर्वासित कर दें या यमलोक ही भेज दें। अपने पुत्र के अनिष्ट की आशंका की बात सुनकर कैकेयी का हृदय विचलित हो उठा। उसने मंथरा से पूछा, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? मंथरा ने उत्तर दिया, आपको स्मरण होगा कि एक बार देवासुर संग्राम के समय महाराज दशरथ आपको साथ लेकर युद्ध में इंद्र की सहायता करने के लिए गए थे। उस युद्ध में असुरों के अस्त्र शस्त्रों से महाराज दशरथ का शरीर जर्जर हो गया था और वे मूर्छित हो गए थे। उस समय सारथी बनकर आपने उनकी रक्षा की थी। आपकी उस सेवा के बदले में उन्होंने आपको दो वरदान प्रदान किया था जिसे कि आपने आज तक नहीं मांगा है। अब आप एक वर्ष से भरत का राज्याभिषेक और दूसरे वर्ष से राम के लिए 14 वर्ष तक का वनवास मांगकर अपना मनोरथ सिद्ध कर लीजिए। शीघ्रातिशीघ्र आप मलिन वस्त्र धारण कर कोप भवन में चले जाइए। महाराज आपको बहुत अधिक चाहते हैं, इसलिए वे अवश्य ही आपको मनाने का प्रयत्न करेंगे और आपके द्वारा मांगने पर उन दोनों वरों को देने के लिए तैयार हो जाएंगे। किंतु स्मरण रखें कि वर मांगने के पूर्व उनसे वचन अवश्य ले लें जिससे कि वे उन वरदानों को देने के लिए बाध्य हो जाएं। मंथरा के कथन के अनुसार कैकेयी कोप भवन में जाकर लेट गई। आगे का वृत्तांत देखने के लिए हमारी अगली वीडियो देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारियां दे सके। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में भेजिए और अगर आप किसी कहानी या तथ्य के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।